राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। यहां भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा शुक्रवार को खंडवा जिले के बोरगांव से आगे बढ़ी, विश्राम सनावत के पास भानभरण में हुआ। गांधी ने चर्चा में कहा कि इस यात्रा का मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को जोड़ना। इस संदेश को लेकर वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेंगे। इस समय देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ ही देश को जातियों में बांटकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इससे देशवासियों को मुक्ति दिलाने, एकजुटता की ताकत दिखाने के लिए यात्रा देश के हर कोने में पहुंच रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति और बेटे के साथ बृहस्पतिवार को पहली बार शामिल हुई थी। मध्य प्रदेश में इस यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने खंडवा जिले के बोरगांव से पैदल चलना प्रारंभ किया। यात्रा में प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान भी पैदल चलते दिखाई दिए। यात्रा रात्रि विश्राम मोटक्का में रहेगा। बड़ी तादाद में लोग यात्रा के साथ चल रहे थे। खरगोन से वारिश खान की रिपोर्ट। खरगोन जिले में आए हुए और यहाँ पर कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। अलग अलग गुटों में कांग्रेस ही बटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई गुटों की बात नहीं, कांग्रेस एक परिवार है और परिवार के रूप में काम कर रहा है। सब अपनी ऊर्जा के अंदर है और हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा दिखाना चाह रहा। ये तो उत्साह है, ऊर्जा है और एक परिवार में थोड़े बहुत बर्तन बचते रहते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं, कोई गुटबाजी की बात नहीं। सब प्रेम के भाव के साथ अब एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर 2023 में किस तरह पड़ेगा? आप देखेंगे कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की जमानतें जब्त हो। प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुकी है, आप भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, क्या अभी तक क्या आपने अनुभव करा है? देखिए, इस देश के सबसे बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी, इस विश्व की सबसे बड़ी पदयात्रा जो इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन के साथ इस विविधताओं के देश में चल रही, जो मूल मुद्दों की राजनीति को लेकर चलने का काम कर रही है, तो ऐसी यात्रा में जुड़ के सभी नौजवानों का उत्साहवर्धन हो रहा है। एक नेता जो किसान, गरीब, मजदूर की बात करता है, जो लोगों के हक और अधिकार की बात करता है, जो संविधान को बचाने की बात करता है, एक ऐसे नेता के साथ आपने देखा का ऐतिहासिक स्वागत कर रहे हैं। ऐतिहासिक उत्साह लोगों के अंदर है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रति, जिस संविधान के प्रति जो लगे हुए, कहीं ना कहीं ये देश का मुद्दे पे ऊपर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा एक तरफ कहती है कि राहुल गांधी क्या जोड़ने के लिए निकले हैं, सब तो जुड़ा हुआ है। देखिए, भाजपा जो इस देश को खंड खंड में तोड़ना चाहती है, जो जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति करना चाहती है, और पहले बीजेपी को समझना पड़ेगा, ये देश विविधताओं का देश है। जिस यात्रा को कन्याकुमारी से राहुल जी ने चालू करा, वहां पे किस धर्म समाज के लोग होते हैं, वहां की संस्कृति अलग है, वहां का लोगों का रहन सहन अलग है। वहां से निकले तो तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, और अलग अलग रंगों के साथ जिस तरीके, क्योंकि ये देश की विविधताओं को बीजेपी खत्म करना चाहती है, इसको एक रंगा करना चाहती है, इस देश के संविधान को बदलना चाहती है, इस देश के अंदर जो हक और अधिकार है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हक और अधिकार है, उसे खत्म करना चाहती है, और कहीं ना कहीं उस बात को जोड़ने निकले जो लोगों के अंदर नफरत का भाव कर रहा है, उस बात को जोड़ने निकले कि जो बेरोजगारों के रोजगार की बात। सबसे बड़ी खूबी है ये युवाओं का देश है, चुनौती है कि इनको रोजगार कैसे दे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बताया जा रहा है, डर की व्यवस्था करिए, इसके खिलाफ हम सब लोगों को जोड़ने निकले, आज जातिवाद पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, लोगों के नफरत के ऊपर जो है प्रेम का भाव लेके निकले, तो ये हमारा नजरिया है कि जो उनका नजरिया हो वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में तो पिछले 2 साल पहले उथल पुथल हुई थी, और राजस्थान में भी अभी उथल पुथल चली थी, आपने भी देखा होगा, सब पूरे देश ने भी देखा है इसको, इसको किस तरह से देखते हैं? स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करती,
सत्ता में जो जनता जिसे बिठाती है वो हमेशा पहले बैठ, लोकतंत्र के अंदर आज खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में बैठे वो रोज धन बल बाहुबल और ये ईडी सीबीआई का उपयोग करके जिस तरह से जनता के साथ धोखा करने का काम कर रहे, कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब माकूल जवाब देगी। हम यहाँ के ही है, हमारे किसान मजदूर मछुआरे सरपंच महीने जो लड़ चुकी है और सेंचुरी के श्रमिक जो रोजगार के लिए संघर्षरत है उनके प्रतिनिधि केवल यहाँ आए हैं और हमने पहले ही नाम देकर हमारी चर्चा तय की गई है और इसलिए आए हैं क्योंकि ये नफरत छोड़ने की देश को आज सबसे अधिक जरूरत है। उसी के कारण संविधान कुचला जा रहा है, उसी के कारण हिंसा हो रही है, उसी के कारण अमानवीयता फैल रही है, बेघर बेदर लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है और जो संविधानिक अधिकार है उसके लिए एकजुटता से लड़ने का भी अधिकार न देते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल बंद किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक राजनेता जब जनता के बीच उतर आते हैं तो एक सही में राजनीतिक विकल्प खड़ा होता है और वो भी एक आंदोलनजीवी बन जाते हैं। हम इसका स्वागत करने आए हैं, हमारे मुद्दे देने आए हैं। सभी सेक्युलर पार्टीज ने हमारे मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए, जाति और धर्म के नाम पर नहीं चलेगी, हिंसा नहीं चलेगी। तो नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ। अभी चर्चा करने के लिए सरदार सरोवर के वास्ते लेकर आपके आंदोलन चलते रहे और सेंचुरी श्रमिक को लेकर भी आपका आंदोलन चलते रहे। अरे मध्य प्रदेश में हजारों परिवार क्यों बस गए, सभी ने मिलकर हमने आंदोलन किया। इसलिए अभी आंदोलन क्यों चले जब तक बारी बारी से कोई जानकारी नहीं, बारी बारी से खेती की लड़ाई करे, पानी की लड़ाई करे, जंगल की लड़ाई करे, हर प्रकार की लड़ाई करने में 37 साल बिताए हम क्यों कि हमारे जमीन के बदले पूरे भारत में कभी मिले थे हमको 5-5 एकड़ जमीन मिली, 7-8 लाख रुपए मिले, किसके बदले मिले? ये हमारी आंदोलन के बलबत पर मिली, ये हमारी लड़ाई है क्योंकि हमारी जीविका हमारी आजीविका छिना जाती थी जब किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों के दखल दे रहे थे क्योंकि पैसे। देखिए आज गुजरात समझ रहा है कि नर्मदा के नाम पर उनको फंसाया गया है, जैसे भूतपूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और आर्टिकल भी लिखे हैं। तो इसीलिए मोदी जी डर के हम लोगों को दोषी पकड़ रहे हैं, राहुल जी को भी दोष दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम फिर उनके समर्थन में आए हैं, महाराष्ट्र में भी उनको मिल चुके हैं, पर आज मध्य प्रदेश का नर्मदा का मुद्दा, हमारे भूतपूर्व नगराध्यक्ष यहाँ है, हमारे जनपद समिति के सदस्य है, कौन नहीं जानता है कि सच्चाई क्या है। और नक्सलाइट्स कभी अर्बन नहीं होते थे भाई, रूरल और आदिवासी क्षेत्र जंगल क्षेत्र में रहते थे। मीनाक्षी जी के सर निकली जा रही है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है, इसके साथ आज भी चल रहे हैं, कैसे अनुभव हो रहा है? मैं कन्याकुमारी में शामिल हुई थी पहले दिन और मुझे ऐसा लगा कि ये अनोखा एक विश्व में एकमात्र एक ऐसा कदम उठाया गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी नेता ने इतना बड़ा साहस किया है कि वो कदमों से अपने देश को नापे। तो वहां से ही मैंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लोगों का बहुत जनसमर्थन मिल रहा था। वहां पे हमने देखा छतों पर, सड़क के किनारे, मुंडेर पर बैठे हुए लोग देख रहे थे। और उसके बाद मैं दोबारा कर्नाटक में जुड़ी और वहां भी वही आलम था और लोग बाग हाथ हिला रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उनके अंदर कोई डर था उसको कोई निकालने आया है, तो उसकी वो कदर कर रहे हैं और लोग बाग सड़क पर है। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें कैसा महसूस हो रहा है। कन्याकुमारी में भी जुड़े आप, कर्नाटक की भी आपने बात की, निमाड़ की संस्कृति पर आप जैसे कदम रखा, निमाड़ की धरती पर यहाँ की संस्कृति से भी आप रूबरू, कैसा लगा आपको? मैं जब हम बुरहानपुर से अंदर की तरफ आने लगे तो बहुत मैंने उत्साह देखा लोगों के अंदर। उसके पहले मेरे साथ एक घटना हुई, मुझे नहीं मालूम आपसे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बताऊंगी कि चाय पीने के लिए हम कहीं रुके थे और हम कैंप की तरफ जा रहे थे, शिविर की तरफ। तो उस व्यक्ति को जब पता चला कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में हूं तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर मैंने उसके सामने 50 रुपए जरूर रख दिए, मैंने कहा भैया आप ये रख लीजिए। तो उनका जो लोग है ना, जिनको महंगाई से प्रॉब्लम है, जिनको बेरोजगारी से प्रॉब्लम है, वो सारे लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं भारत यात्रियों की। तो मेरा अपना अनुभव ये पहला बुरहानपुर में था और उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि जब लोग भारत यात्रियों को देखते हैं तो अपने आप हाथ हिला रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो अपने आप उन्होंने नारा सीख लिया है। मैं समझती हूँ हिंदी हार्टलैंड में ये होना ही चाहिए था, हो रहा है। एक तरफ पिछली पार्टी भाजपा कहती है कि राहुल गांधी क्या जोड़ने लिख रहे हैं, पहले से सब जुड़ा हुआ है, अब क्या जोड़ रहे हैं? देखिए चूंकि मैं फौज से हूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे फौज के जो पूर्व अधिकारी हैं वो एक तरफा
भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक गए थे और इतना झुक गए थे कि वो एक अपने ही ब्रदर ऑफिसर्स को, सिस्टर ऑफिसर्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते थे, बुलाते नहीं थे, बात नहीं करते थे। और आज क्या आलम है कि जब मैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे बैठ कर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही थी, हमारा MCO होता है उसमें 6 पुराने अधिकारी थे, उनकी पत्नियों सहित सभी ने मुझे गले लगा के कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद अग्निपथ भी एक कारण रहा जिसके कारण लगातार जो आर्म फोर्सेस के साथ मोदी सरकार उनको बर्बाद करती रही, एक एक करके आर्म फोर्सेस के साथ वो निरंकुशता करती गई, उसका शायद असर है कि आज फौजी भी उस तरफ आ रहे हैं। तो जो बीजेपी कहती है, बीजेपी कुछ भी कहा करे, जिस तरह से आज मैं सोच रही थी कि हम जय सियाराम कहते हैं और वो जय श्रीराम का नारा उग्रता के साथ लगाते हैं, यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस इस देश की नब्ज है, इस देश की तसल्ली है। कांग्रेस ही एक बार लोगों को वो चीज दे सकती है जिसके हम आदी रहे हैं, वो भाईचारे वाला लोकतंत्र। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य विदिशा की रहने वाली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।